साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई वंदे भारत 3+ या 4 भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपने वीडियो देख लिए होंगे, मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि वंदे भारत मिशन बंद हो जाएगा, अमेरिका बंद करवा देगा। जी हाँ साथियों, काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे होंगे। कल दोपहर के बाद से चल रहे हैं, हरदीप पुरी सिंह जी भी ट्वीट कर रहे हैं, GDC अपना सफाई दे रहा है वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी व्हाट्सअप कर रहे थे, बोले ये देखिए सर वंदे भारत मिशन बंद हो जाएगा, फलाना ढिमका, और भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने। सच्चाई की तरफ अपन बढ़ते हैं कि सच्चाई आखिर मामला क्या है। जी हाँ साथियों, आखिर आपके भी मन में लड्डू फूटे होंगे, ईमानदारी से बताना कि वंदे भारत मिशन बंद हो जाएगा तो नॉर्मल फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम सब लोग घर आ जाएंगे। और उम्मीद है कि हम भी यही चाहते हैं कि आप सब लोग घर पहुंचो जल्दी से जल्दी। इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अगर प्राइवेट फ्लाइट स्टार्ट कर देती तो आज आप लोगों की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई देखिए बात कर लेते हैं, कल का मैटर चल रहा है। कल सुबह से अखबारों में भी न्यूज़ आई है, मेरे पास ट्वीट भी देखे हैं मैंने। अमेरिका ने रोक लगाई दो अपने एरोप्लेन पे कि भाई हम आपके इंडियन एरोप्लेन इंडिया अमेरिका में नहीं आने देंगे। जी हाँ साथियों, इनका पीछे का राज क्या है मैं बता देता हूँ। आपकी भाषा में बात करें, क्योंकि आप विदेश में फंसे हो तो आप तो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि आप वहाँ पे परेशान हो, इंडियन गवर्नमेंट के प्रति नेगेटिव हो, एयरलाइन के प्रति नेगेटिव हो। आपके माइंड की भाषा की बात करूँ तो अमेरिका ने साफ साफ बोला कि भाई इंडिया तू भी पूरा पूरा तू ही खा जाएगा, थोड़ा बहुत हमें भी खाने दे, गरीब लोगों को हमें भी लूटने दे, आप ही आप लूट रहे हो सबको, समझ रहे हो बात को। और अगर इसको आधिकारिक सिस्टम से देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से देखा जाए, अमेरिकी विमानन जो वहाँ का जो संस्था है उनका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एयरलाइंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, इंडियन एयरलाइंस अमेरिकन जो एविनेशन समझौता है उसका उल्लंघन कर रही है। आप एविनेशन समझौता क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एविनेशन का मतलब होता है विमान का समझौता होना, यानी हम आपकी प्लेन को हमारे देश में लैंड मतलब आने देंगे, आप हमारे प्लेन को आपके देश में आने देंगे, दोनों तरफ से कॉमन तरीके से सिस्टम चलता है, समझ रहे हो बात को। आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि तू भाई हमें काम करवा दे और मैं तेरे को काम करवा दूंगा, बराबर हो जाएंगे। ये नहीं कि अकेला अकेला कि मैं ही तुझे काम करवाता रहूं, तू मेरा शोषण करता रहे, समझ रहे हो बात को, और तू मुझे काम नहीं करवाए, सेम सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है। तो अमेरिका ने ये मुद्दा उठाया है कि भाई सिंपल भाषा में बात करेंगे कि अमेरिका ने बोला है कि इंडिया की जो एयरलाइन है ठीक है वो दूसरे देशों में जाती भी खुद ही है और लेके भी खुद ही आती है, यानी इधर से भी जाके लेके आती है और उधर से भी लेके आती है, यानी दोनों तरफ से मार्जिन इंडियन एयरलाइन कमा रही है। जबकि रूल ये होना चाहिए कि उन फ्लाइटों को भी इजाज़त देनी चाहिए इंडिया के लिए। और अभी उनका मेन मुद्दा क्या हुआ है देखिए मैं बता देता हूँ। अभी आपने पता ही है 20-22 जून के बाद में एक मैटर हुआ था, लगभग 15 या 16 के बाद में एक मैटर चला था कि भाई इंडियन एयरलाइंस ने क्या किया, टिकट ऑनलाइन बुकिंग करनी स्टार्ट कर दी कि एक दिन में 22,000 टिकटें बुक हुई इंडिया से विदेश में जाने वालों के लिए, ठीक है। इधर से भी उन्होंने टिकटें स्टार्ट कर दी, उधर से भी आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन टिकट एयरलाइन खुद करने लग गई है कि भाई हाँ आप टिकट बुक करें, हमारी वेबसाइट पे जाके हम आपको लेके आएंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि आप दोनों तरफ से दो घोड़ों पे सवारी कर रहे हो, यानी आप इंडिया से यात्रियों को लेके जा रहे हो, कोई भी कंट्री, अमेरिका तो एक एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी कंट्री लेके जा रहे हो, खुद उधर से लेके आ रहे हो, और हम यहाँ बैठे क्या मक्खी मारेंगे लॉकडाउन में, हमें भी कमाने दीजिए, शॉर्ट में मतलब ये है। और अमेरिका के बाद में फ्रांस ने भी, दो चार कंट्रियों ने और भी इस मुद्दे को उठाया है। ट्वीट में आपको हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ मैं साथियों। अगर गवर्नमेंट आगे कुछ करती है तो अमेरिका फ्रांस यूके जर्मनी, जी हाँ साथियों, इधर की तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरलाइंस ने बोला कि भाई हम कोशिश करेंगे कि इधर से उन फ्लाइटों को भी इंडिया में आने की इजाज़त दे दी जाए। बाकी गल्फ कंट्रीज़ के संबंध में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। बाकी भाई ये कड़वी सच्चाई मैं बता दूं आपको, 22 जून को ये अमेरिका ने बोला है, अमेरिकी एयरलाइंस जो विभाग है उनका, उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन उन्होंने एक महीने का टाइम दिया है इंडियन एयरलाइंस को, ठीक है, DCGA को, तो एक महीना बहुत लंबी बात होती है यार, कितना होता है 22 जुलाई तक। तो आपको क्या लगता है 22 जुलाई तक वंदे भारत चलता ही रहेगा, कोरोना कोरोना आ रही है सिस्टम ऐसे ही रहेगा,
नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट नहीं होगी। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसी महीने में नेक्स्ट में 2, 4, 5, 7 जुलाई तक इंटरनेशनल फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएं, तो फिर उन सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता, बाद में तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। एक महीने का इंडियन DGCA को एक महीने की मोहलत दी गई है, यानी 22 जुलाई तक। तो आप उम्मीद करें भाई 22 जुलाई तक तो वैसे ही नॉर्मल हो जाना है यार, 22 जुलाई से पहले तो इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल फ्लाइटें वैसे ही स्टार्ट कर देगी। तो इस सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। हाँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट अभी 2-4 दिन में कर देती है, जैसे 1-2 जुलाई से, तो कोई फायदा हो सकता है। बाकी वंदे भारत मिशन बंद नहीं होगा, ये बात दिमाग से आप निकाल दें। और जो वीडियो आपने देखे हैं तो वो मान लीजिए कि आपके टाइम पास के लिए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आपको बताया गया है। एक महीने का टाइम मिला है, एक महीना बहुत होता है भाई, एक महीने से पहले इंडियन गवर्नमेंट सब कुछ ओपन कर देगी। क्या बात कर रहे हो, इंटरनेशनल फ्लाइटें भी ओपन हो जाएंगी, आप भी क्या एक महीने तक विदेश में बैठे रहोगे, आप भी सब आ जाओगे। ये तब तक स्टार्ट होगा, वो तब तक तो पूरी दुनिया में नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट तरीके से, और जो भी है सब बकवास है। तो भाई थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें अपने आप पे। वंदे भारत मिशन बंद नहीं होने वाला है, ठीक है, वो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि फ्लाइट वो स्टार्ट कर दें, अगर तो अच्छी बात है। बस आज की वीडियो में यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।